ईश्वर ने सबके लिए अवसर बना रखा है, जो चाहो वो पाओ, किसने रोक रखा है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैंने अभी कहा आपको किसने रोक रखा है? आप भी जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहें वो बन सकते हैं। तो आज यह वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, किसी मनचाही सेवा में जाना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कोई पेंटिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, आर्ट सेक्टर में अपने मनचाहा कार्य करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को निखारना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनके सामने बाधाएं सामने आती हैं और उनके रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। कभी कभी वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले मैं अपना एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू किया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यह बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत पैसा खर्च होता है, एक साधारण परिवार के व्यक्ति को छोटी मोटी सर्विस कर लेनी चाहिए। दोस्तों, एक मेरा कजिन है, कजिन ब्रदर है, जो चंडीगढ़ में एयरफोर्स में काम करता है। उसने हमसे कहा था कि देखो, ये बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा खर्च होगा, कोई छोटा मोटा नौकरी कर लो। तो मैंने बताया था, मैंने उस दिन कहा था कि चाहे जो भी हो जाए, जितना मेहनत करना पड़े, अंतिम दम तक लड़ना पड़े, लेकिन मैं तो सिविल सेवा में ही सफलता प्राप्त करके दिखाऊंगा और सिविल सेवा में ही जाना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने मेहनत किया, गिवअप नहीं किया। बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारे लोगों का सलाह, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, बहुत तरह की बातें आई जिसकी चर्चा करना अभी इस वीडियो में सही नहीं होगा या उतना टाइम भी नहीं है। और मैं सिविल सेवा की परीक्षा को पास कर मैंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि आपके अंदर जुनून है, जिद है, कुछ करने की तमन्ना है, यदि आप चाहते हैं कि हमें ईश्वर के दिए गए अवसर को प्राप्त करना है, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त करना है, विल पावर से प्राप्त करना है, तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यह बताना चाहता हूं कि आपकी इच्छाएं तो होती हैं, बड़ा बनने की इच्छाएं होती हैं, बड़ा बिजनेस करने की इच्छाएं होती हैं, तो आप सलाह किससे लेते हैं यह डिपेंड करता है कि आपके सलाह जिस व्यक्ति से आप ले रहे हैं, क्या वह सलाह देने के लिए उपयुक्त हैं? कभी कभी घर में, परिवार में, दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें सलाह देते हैं। क्या उनका अपना अनुभव है? क्या वो सलाह दे रहे हैं, उन्होंने उस कार्य को किया, उसमें सफलता या असफलता, कुछ किसी क्षेत्र में कुछ काम उन्होंने किया या नहीं किया? क्या आपकी क्षमता को पहचानते हैं? जिस काम को आप करना चाहते हैं उस कार्य के बारे में आप जानते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि सलाह कौन दे रहा है और आप सलाह किससे ले रहे हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप देखे होंगे आप कि कोई व्यक्ति सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, बहुत सारे लोग उसको सलाह देते हैं कि भाई सिविल सेवा में बहुत टेंशन है, बहुत सारा टाइम टेकिंग है, जैसे कि हमसे बताया जा रहा था, बैंक की तैयारी कर लो। तो बहुत लोग सलाह को मान भी लेता है कि मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, भाई ने कहा, दोस्त ने कहा, और वो बैंक की तैयारी करना शुरू करते हैं। और उनको मन नहीं लगता है रीजनिंग बनाने में, मैथ्स बनाने में, या उनका अट्रैक्शन ही नहीं होता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी कार्य के प्रति आगे कैसे बढ़ते हैं, कितना अट्रैक्ट होते हैं, कितना आकर्षण है आपको उस कार्य के प्रति। तो आप सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, कोई बैंक की सलाह दे रहा है, आपका वहां अट्रैक्शन नहीं होगा, आप उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं। कोई व्यक्ति बैंक की एसएससी की तैयारी करना चाहता है, रेलवे की तैयारी करना चाहता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई देखो, तुम सिविल सेवा की तैयारी करो, आईएएस बनो, बीपीएससी पास करो, यूपीपीसीएस पास करो, क्योंकि कभी कभी होता है कि पिताजी की, माता की तमन्ना होती है कि भाई अगर मैं नहीं किया तो मेरे बच्चे करने चाहिए, और अपने बच्चों को योग्यता को देखते नहीं है, क्षमता को देखते नहीं है, और कहते तुम ये तैयारी करो। तो प्रॉब्लम इस तरह से होता है। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग आईएएस का फॉर्म भरते हैं, पीसीएस का फॉर्म भरते हैं, टीईटी का फॉर्म भरते हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी, कहीं कहीं तो लोग ग्रुप डी का भी फॉर्म भर देते हैं। तो मेरा यह कहना है कि आप जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई बिजनेस हो, कोई आर्ट हो, केवल उसके प्रति आप समर्पित रहें, आप डेडिकेटेड रहें, डिवोटेड रहें, और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। तो मैं यह कह रहा था कि आप सलाह किससे ले रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है, आप क्यों रुक रहे हैं? अगर कोई कहता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे वश का नहीं है, तो फलाना आदमी का नहीं हुआ, राम ने काम किया था, उसने सफलता प्राप्त नहीं किया, रहीम ने नहीं किया, तुम कैसे कर सकते?
क्या उन्होंने राम और रहीम को देखा, उसके स्ट्रेटजी को देखा, उनकी क्षमताओं को देखा, पढ़ने के तरीकों को देखा? नहीं, बस सीधा बताया कि वो पास नहीं किया तो तुम भी नहीं कर सकते हो। तो बताइए कि जो सलाह देने वाले व्यक्ति अगर रोक रहे हैं आपको, आप क्यों रोक रहे हैं? आप अपने सपनों को, अपने संभावनाओं को, अपने सोच को, अपने इच्छाओं को बाधित क्यों कर रहे हैं? दोस्तों जागिए, चिंतन करिए, आपको जो भी करना है वो कीजिए। जीवन में एक ही मौका मिलता है, लेकिन यह सोचना है कैसे होगा, यह सफलता कैसे मिलेगी। तो सफलता कैसे मिलेगी, इस पर मैं अभी इस वीडियो में तीन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। पहला तो आपको डिटरमाइंड होना है, दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। बिना संकल्प का, बिना डिटरमिनेशन का कुछ भी संभव नहीं है। जब आप एक बार ठान लेंगे कि हमें करना ही करना है तो कोई भी बाधाएं आपको नहीं रोक सकती है, कोई किसी तरह की समस्याएं नहीं हो सकती है। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, सभी लोग जानते हैं। अगर आपकी इच्छा है आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं। और जो कायनात है, अगर आपकी इच्छा होती कुछ करने की, कायनात आपके पीछे आती है, प्रकृति आपके पीछे आती है, ईश्वर का आशीर्वाद सामने आता है और आपकी सफलता में वो सहयोगी बन जाता है। आपने चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त की दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी और चाणक्य का सलाह था। उसने मगध जैसा साम्राज्य, बाद में मौर्य जैसा, मौर्य साम्राज्य की तरह अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा। नेपोलियन की दृढ़ इच्छा शक्ति का एग्जाम्पल है। जब फ्रांस और स्पेन के बीच युद्ध था और फ्रांस ने स्पेन पर आक्रमण करना था, जब नेपोलियन सेना आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ते बढ़ते जब आल्प्स पर्वत के पास वो पहुंचती है, आल्प्स पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में है आल्प्स, तो पहाड़ के तराई में जाकर लोग, दुनिया तलहट्टी में जाकर सारी सेनाएं रुकी हुई थी। पीछे से कमांडर नेपोलियन जाता है और पूछता है, व्हाट हैपेंस, व्हाई यू आर स्टॉप्ड हियर? तो सेना ने कहा कि सर, हाउ कैन वी मूव, देयर इज आल्प्स सर। तो नेपोलियन बहुत ही अलग टाइप का अपना फेस बनाकर, बहुत टाइप अलग टाइप का आश्चर्य चकित होकर वो बोलता है, वेयर इज आल्प्स, कहाँ है आल्प्स? देयर इज नो आल्प्स, मुझे तो आल्प्स नहीं दिख रहा है, तुमको कैसे आल्प्स दिख रहा है? चलो देयर इज नो आल्प्स, आगे बढ़ो, अटैक करो। और उसने अपनी संकल्प शक्ति को सेना के संकल्प शक्ति में मिला दिया और सेना उसके संकल्प शक्ति के थ्रू रातों रात पहाड़ पर चढ़ जाती है और अगले दिन स्पेन पर आक्रमण कर देती है। तो दोस्तों आप देखो, बिना संकल्प का यह संभव नहीं था। आपके अंदर भी ऐसा ही संकल्प होगा, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। नेपोलियन तो कहता था कि देयर इज नो इम्पॉसिबल वर्ड इन माई डिक्शनरी, इसलिए आपको इसे समझने की जरूरत है। दूसरी बात है थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है, आप सोचते कैसे हैं, किसी भी चीज के प्रति आपका परसेप्शन कैसा है, आप जो काम करते हैं उस काम के प्रति प्यार है कि नहीं है। अगर काम के प्रति प्यार है, पढ़ाई के प्रति प्यार है, बिजनेस करते हैं उसके प्रति प्यार है, आर्ट सिंगिंग पेंटिंग के प्रति आपका प्यार है, तो निश्चित रूप से आप उस काम को करेंगे, कभी आप उससे दूर नहीं होंगे। जब किसी व्यक्ति को किसी काम से, किसी व्यक्ति से, किसी भी चीज से प्यार होता है, प्रेम होता है, अट्रैक्शन होता है, निश्चित रूप से उस काम को सफलतापूर्वक पूरे मनोयोग से करता है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक बार किसी गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था और एक भव्य मंदिर बनना था। बहुत सारे मजदूर वहां पे काम कर रहे थे। एक संत वहां से गुजर रहे थे और उस संत ने वहां पर जो मजदूर थे उनको देखा और उसने एक मजदूर से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने बड़ा अनमने तरीके से जवाब दिया कि क्या बाबा, आपको दिखता नहीं है, देखता नहीं कि मेरे कर्म फूटे हुए, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, जाइए। तो संत वहां से आगे बढ़ जाता है। वह दूसरा मजदूर से मिलता है, उसको भी पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो? दूसरा मजदूर कहता है कि बाबा आप तो देख ही रहे हैं, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए कार्य कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, और क्या। वो संत आगे बढ़ जाते हैं। फिर तीसरा मजदूर मिलता है, उसको उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा बाबा आप देख रहे हैं जो मंदिर बन रहा है, उस वहाँ देख रहे मंदिर जो बन रहा है, उस मंदिर के निर्माण में और वहाँ जो मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं उसके निर्माण में मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हूँ। मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस मंदिर के निर्माण में भगवान की सेवा कार्य में करने का मौका मिला है और मैं अपने आप को धन्य पाता हूँ। तो इस छोटी सी कहानी से आपको क्या
सीख मिलती है कि हमारा अपना थॉट प्रोसेस क्या है, हम अपने काम को कितना प्यार करते हैं, अपने पढ़ाई को, अपने बिजनेस को, अपने आर्ट को, किसी भी कार्य को हम कितना प्यार करते हैं, कितना मानते हैं, उसी अनुसार हमारा संकल्प बढ़ता है, उसी अनुसार मेरा विल पावर बढ़ता है, उसी अनुसार हम आगे बढ़ते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो आप भी जो कार्य कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों, कोई भी काम कर रहे हों, आप पूरे मनोयोग से कार्य को प्यार से करें, अपने अप्रोच को, थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखें, आप जो करें उसमें विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तीसरा जो हमने बताया था, आपके गाइड कैसे हैं, सलाहकार कैसे हैं, तो पहले हमने बताया था सलाहकार बहुत सारे निगेटिव होते हैं, आप सलाह हमेशा पॉजिटिव लोगों से लें। क्या आप जो सलाहकार जिसे बातें करते हैं, पूछते हैं इस काम को कैसे करना चाहिए, क्या वो अनुभवी है, क्या वो जानता है, सफलता और असफलता के दोनों के स्वाद को चखा है, क्या उसने कांटों को झेला है, क्या उसने खून पसीने बहाए हैं। तो अगर आप इस देखेंगे चीज, क्या वो आपकी क्षमता को पहचानता है, आपकी क्षमता को समझ सकता है, आपको सही सलाह दे सकता है, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आप उस सलाहकार के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर भरोसा करके, एक बार जिस पर भरोसा करते हैं उसे भरोसा करना चाहिए, कभी भी बीच में गिव अप नहीं करना चाहिए। सलाहकार को चुन कर रखें, गाइड को चुनें, समझें, परखें, तब उसके साथ आप आगे बढ़ें, निश्चित रूप से जीत आपकी ही होगी। दृढ़ संकल्पित होकर परीक्षा दें, परिश्रम करें, कोई भी काम आगे करें। देखिए, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, एक बार जब संकल्प कर लेते हैं, अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए कि मैं आईएएस की तैयारी करूं और एसएससी की तैयारी करूं, बैंक की तैयारी करूं और नीचे कुछ और करूं या कोई बिजनेस कर लूं, ऐसा नहीं होता। एक बार आप ठान लिए, इसमें टाइम लगता है, एक साल, डेढ़ साल, दो साल, इतना कम से कम समय लेकर आप जरूर चलेंगे, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता के लिए संकल्प, जैसा पहले बताया था, वो जरूरी है। देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प आपके पास नहीं होना चाहिए, करना है तो यही करना है। इस टाइप से ऐसा नहीं कि 50-50, 60-40, 70-30 का रेशियो बना लिया, आधा पढ़ाई कर रहे हैं, आधा कुछ और कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से आपके सपने साकार होंगे। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अगर चाहते चमकना तुम बनकर सितारे, अगर चाहते चमकना तुम बनकर सितारे, आओ समर में क्यों बैठे हो किनारे। दोस्तों, आप किनारे ना बैठे, हताश ना हो, निराश ना हो, बीच में आए, समर में आए, परिश्रम करें, मेहनत करें, और सफलता आपके साथ होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।